Hello mechanical engineers, I am Subodh Kumar and today I will teach you new topics and the name of that topics is indicated power, brake power, frictional power and mechanical efficiency. These all are the parameter of engine performance. And so now you can see your screen, aap apni screen pe dekh sakte hain. To yahan par agar main baat karun, aapke do figures hain aapki screen pe, to ek फर्स्ट फिगर ये है, सेकंड फिगर ये है. अगर यहाँ पे इस फिगर की बात मैं करता हूँ तो इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि कनेक्ट है किससे, क्रैंक शाफ्ट से. तो अगर आपको मैं इंडिविजुअली अरेंजमेंट दिखाऊँ पिस्टन का एंड सिलेंडर का, तो आप ये देख सकते हैं किसी भी इंजन के अंदर सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट ये रहता है, जिसमें क्या है, ये पिस्टन है आपकी, ओके, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट रहती है, ओके. तो इसमें क्या होता है, ये इनलेट वॉल्व है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है. तो क्या होता है, इनलेट वॉल्व से सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, एयर सिलेंडर के अंदर आती है, देन ये कंप्रेस्ड होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में. तो जब ये कंप्रेस होती है तब इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर उस समय जो फ्यूल इंजेक्टर जो रहता है, इससे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल एंड फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में. जब ये फ्यूल इंजेक्ट होता है तब यहाँ पे वर्निंग होने लगती है फ्यूल की बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. तो जब वर्निंग होती है तब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, जिसकी वजह से पिस्टन का मूवमेंट होता है. पिस्टन का मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ही हमें वर्क डन मिलेगा, पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगेंगे तो पिस्टन जो होगा डाउनवर्ड जाएगा, देन उसके बाद फिर वो अपवर्ड आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो पिस्टन कनेक्ट है किससे, कनेक्टिंग रॉड से, तो इसका डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोशन होता रहेगा, ठीक है. तो ये कि ये लीनियर डायरेक्शन में डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन. तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है. अब फाइनली इसमें ये रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है, अप एंड डाउन वाला. देन ये क्रैंक शाफ्ट पे जैसे ये मोशन आता है इस क्रैंक शाफ्ट पे, तो ये अप एंड डाउन वाला जो मोशन होता है ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट तो रोटेट करती है. तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पर हमें रोटरी मोशन में कन्वर्ट होते हुए मिल रहा है. इसी वजह से जो इंजन हमारे गाड़ी वगैरह में होते हैं और इसी वजह से उसके व्हील वगैरह मूव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है जो इसमें रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है. तो अगर अब मैं बात करूँगा आपके इंडिकेटेड पावर की, तो इंडिकेटेड पावर क्या होती है, इंडिकेटेड पावर किसी भी सिलेंडर के अंदर वो पावर होती है जो कि सिलेंडर पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर हमें मिलती है. लाइक यहाँ पर जो है एयर इसके इनसाइड आई, देन यहाँ से ये कंप्रेस्ड हुई, कंप्रेस्ड होने के बाद स्पार्क प्लग से यहाँ पे फ्यूल स्मॉल स्मॉल फाइन पार्टिकल्स के रूप में इसमें स्प्रे कराया, उसके बाद क्या हुआ, वर्निंग हुई फ्यूल की. मतलब अब फ्यूल की वर्निंग हो रही है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी या फिर कुछ पावर जनरेट होगी. तो यहाँ पर जो भी पावर हमें मिलती है इस इंजन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर पावर. तो इंडिकेटर पावर क्या होती है, द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड द इंडिकेटर पावर. मतलब जो सिलेंडर के अंदर जो पावर हमें मिल रही है पर्टिकुलर, ठीक है, तो इसको हम इंडिकेटर पावर बोलते हैं. और इंडिकेटर पावर जो होती है हमारी, वो थ्योरेटिकल पावर होती है, वो एक्चुअल पावर नहीं होती है. एक्चुअल हमें कुछ और ही पावर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सम लॉसेस वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल पावर बोलते हैं, एक्चुअल पावर नहीं बोलते हैं. तो ये इंडिकेटर पावर आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या होती है. सिलेंडर के अंदर से जो हमें पावर मिलती है वो हमारी इंडिकेटर पावर होती है, जो कि मिल रही है हमें किसकी वजह से, फ्यूल की वर्निंग की वजह से, ओके. तो ये इंडिकेटर पावर होती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडिकेटर पावर का ये फॉर्मूला होता है, IP=PALNK/60. यहाँ पर पी जो है वो है आपका, पी जो है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर है, एल जो है स्ट्रोक लेंथ है, वही मैंने जो बताया था टॉप डेड सेंटर के बॉटम डेड सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो आपकी स्ट्रोक लेंथ होती है. अब टॉप डेड सेंटर वो होता है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है पिस्टन की ऊपर जाने तक की, उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं. और नीचे जहाँ तक हमारी मिनिमम, जहाँ तक हमारा पिस्टन जा सकेगा, मैक्सिमम रेंज बॉटम में जाने की जो होती है उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, ठीक है. तो इसको हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं टॉप डेड सेंटर के बीच की और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको. अब जो ए जो है वो एरिया है सिलेंडर का, जो ये सिलेंडर है इसका एरिया है. तो एंड जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट में ये कितनी बार रेवोलेट कर रहा है, मतलब कितनी बार घूम रहा है ये, ठीक है. के यहाँ पर एक जो होता है वो फैक्टर होता है, जो कि एक फोर स्ट्रोक इंजन के लिए 1/2 होता है एंड टू स्ट्रोक इंजन के लिए ये 1 होता है, ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा देखें कि IP=PALNK/60 आया कैसे,
ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका होता है एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो वर्क डन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी लिख सकते हैं। मतलब वर्क डन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई एक फोर्स लगा रहा है, अब वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन टू दैट ऑब्जेक्ट, जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसमें, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और वर्क डन होता क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी है, और आप सभी लोग जानते होंगे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, अगर इधर एरिया के अंदर प्रेशर में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हो जाएगा एफ इक्वल टू पी इंटू ए हो जाएगा। तो और अगर एफ की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू ए इंटू एल। अब ये एल कैसे हुआ, एल जो है यहाँ पे डी क्या है, डी है डिस्टेंस मूव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, यहाँ पर पिस्टन पर फोर्स लगाया तो पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगी। तो अब टॉप डेड सेंटर के और बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो लेंथ है, हम इसको स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि हमने एल ली है, ठीक है। तो इसलिए हमने डी की जगह यहाँ पे एल रख दिया है, ओके। तो अब यहाँ पे पावर, पावर क्या होती है, अगर बेसिकली हम पावर को देखें तो पावर क्या होती है, पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। और एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, वर्क डन होता है। तो हम इसको एनर्जी ट्रांसफर की जगह हम यहाँ पे पी ए एल लिख सकते हैं। तो ये हमने पी ए एल लिखा है इस फॉर्मूले में, इनटू इसकी मल्टीप्लाई हमने एन से इसलिए की है क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ यहाँ पे हमें एक ही रेवोल्यूशन मिले, तो हमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस मिलेंगे ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द इंजन, तो उन सारे रेवोल्यूशंस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इस वर्क डन में, तो फिर हमें टोटल पावर मिलेगी। और हमने डिवाइड बाई 60 इसलिए किया है क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट ले रहे हैं हम, तो 60 से डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हमने इसलिए कर दिया क्योंकि के जो है एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहता है, जो कि फोर स्ट्रोक इंजन के लिए 1/2 रहता है एंड टू स्ट्रोक इंजन के लिए ये 1 रहता है, ओके। तो आई थिंक आप लोग अब इंडिकेटर पावर समझ गए होंगे। अगर मैं फाइनली बोलूँ इंडिकेटर पावर क्या होती है, तो इंडिकेटर पावर वो पावर होती है जो कि हमें फ्यूल के बर्निंग होने से मिलती है इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। जो सिलेंडर पे जो हमें पावर मिल रही है, ठीक है, फ्यूल के बर्निंग की वजह से, हम उसको इंडिकेटर पावर बोलेंगे, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं आपका नया टॉपिक है ब्रेक पावर। अब देख सकते हैं आप ब्रेक पावर क्या होती है, ब्रेक पावर जैसे कि यहाँ से हमें इंडिकेटर पावर मिल गई सिलेंडर के इनसाइड, ओके। तो सिलेंडर के इनसाइड हमें ब्रेक पावर मिल गई है, सिलेंडर के इनसाइड हमें इंडिकेटर पावर मिली, ओके। सिलेंडर के इनसाइड हमें इंडिकेटर पावर मिल गई। अब इंडिकेटेड पावर के बाद हमारी आती है ब्रेक पावर। अब ब्रेक पावर क्या होती है, ब्रेक पावर वो पावर होती है जो हमें क्रैंक शाफ्ट में मिलती है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ओके। पहले सिलेंडर के हमें इंडिकेटर पावर मिली सिलेंडर के अंदर, ओके। फिर उसके बाद ये एनर्जी ट्रांसफर हुई इस पिस्टन को, मतलब पिस्टन पर। अब पिस्टन मूव करेगी अप एंड डाउन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होंगे, वहाँ पे कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, उसके बाद जो एनर्जी हमें मिलेगी वो हमें क्रैंक शाफ्ट में मिलेगी। अब क्रैंक शाफ्ट पे जो एनर्जी मिलेगी वो ऑब्वियसली इस इंडिकेटेड पावर से कम होगी, तो इस जो क्रैंक शाफ्ट पे हमें जो एनर्जी मिलती है हम उसको ब्रेक पावर बोलते हैं, ओके। तो द ब्रेक पावर इज द आउटपुट ऑफ एन इंजन ऑफ द इंजन एट द शाफ्ट मेजर्ड बाय द डायनोमीटर। और इसको हम मेजर किससे करते हैं, डायनोमीटर से मेजर करते हैं, या फिर हम इसको जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है एक फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहती है, उस फ्लाई व्हील पर हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, वो ब्रेक कितनी पावर को ऑब्जर्व कर रहा है उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हाँ इस सॉफ्टवेयर कितनी पावर है, कि ब्रेक जितनी पावर ऑब्जर्व करेगा उतनी पावर उस सॉफ्टवेयर होगी। तो जो हमें क्रैंक शाफ्ट में जो पावर मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर बोलते हैं। अब ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है हमारा बीपी इक्वल टू 2πNT/60। यहाँ पर जो टी है वो टॉर्क है, एन जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द क्रैंक है, ओके। फाइनली आपकी आ गई फ्रिक्शनल पावर। देखो अभी हमने बात किस किसकी कर ली, इंडिकेटेड पावर की कर ली, और हमने किसकी कर ली, ब्रेक पावर की कर ली। अब इंडिकेटेड पावर क्या थी, जो हमें सिलेंडर से मिल रही थी, ब्रेक पावर क्या थी, जो हमें क्रैंक शाफ्ट में मिल रही थी, ओके। तो यहाँ पर जो पावर मिल रही है इंडिकेटेड पावर, अगर मैं बोलूँ इंडिकेटेड जो पावर है वो उसकी वैल्यू ब्रेक पावर से ज़्यादा होगी, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर में मिल रही है इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर में मिल रही है क्रैंक शाफ्ट में। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी का लॉस होगा। अब वो एनर्जी का लॉस किसकी वजह से होगा, एनर्जी का लॉस होगा
ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल के बीच में और ये पिस्टन की वॉल के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इसके वजह से कुछ एनर्जी लॉस होगी. ओके, और जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसके मूवमेंट्स में भी एनर्जी लॉस होगी. लाइक पिस्टन, जब यहाँ पे सिलेंडर में एनर्जी जनरेट हुई, ये इस पर फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मूव करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे, पिस्टन मूव करेगी, क्रैंकशाफ्ट मूव करेगी. यहाँ पर ये हिंज्ड पिन है, इसकी इसमें इसके कुछ फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से कुछ लॉस होगा, और ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन होगा, इसकी वजह से कुछ लॉस होगा. तो वहाँ पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी, वो हमारी फ्रिक्शन पावर होगी. तो फ्रिक्शन पावर क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द हाउ मच पावर विल बी यूज फॉर रनिंग द इंजन. इंजन को रनिंग करने में जो पावर हमारी लग रही है, मीन्स यहाँ पर जो पावर जनरेट हुई उसके बाद यहाँ पर ये इसको रनिंग करने में जो पावर लगाएगा, द इंजन हैव सम फ्रिक्शन इन गियर, चेन ड्राइव्स एंड शाफ्ट्स, मेटल पार्ट्स, इट कंज्यूम्स सम एनर्जी फ्रॉम द पावर. ओके, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम करेंगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो ये आपकी यहाँ पे फ्रिक्शन पावर होगी. यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन पावर क्या होती है हमारी, अगर फाइनली मैं बात करूँ आपको एक इजी वर्ड्स में, तो फ्रिक्शन पावर क्या होती है? जो पावर हमें यहाँ पे मिली है और जो पावर हमें यहाँ मिली है, यहाँ वाली पावर क्या है? इंडिकेटेड पावर है. और यह वाली पावर क्या है जो क्रैंकशाफ्ट में मिली है? वो आपकी ब्रेक पावर है. ओके, तो अगर हम इंडिकेटेड पावर से, जो कि ज़्यादा है, इंडिकेटेड पावर से ब्रेक पावर को माइनस कर दें, तो हमें इन पार्ट्स में जो हमारी पावर खर्च हुई है, जो कंज्यूम हुई है, वो निकल आएगी. तो वही है इंडिकेटेड फ्रिक्शनल पावर हमारी क्या होती है? इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर. मतलब इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल पावर. ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि आपकी इंडिकेटेड पावर क्या होती है, तो इंडिकेटेड पावर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें पावर मिलती है वो इंडिकेटेड पावर होती है. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे, ब्रेक पावर से भी ज़्यादा होगी और फ्रिक्शनल पावर से भी ज़्यादा होगी. तो इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगी? एडिशन ऑफ फ्रिक्शनल पावर एंड ब्रेक पावर. क्योंकि इंडिकेटेड पावर का जो हो रहा है कंजप्शन हो रहा है, वो किस में हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रही है वो, और जो यहाँ पर जो हो रहा है ब्रेक पावर पे जा रही है. तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इंडिकेटेड पावर मिल जाएगी. ठीक है, और अगर फाइनली मैं यहाँ पर ब्रेक पावर की बात करूँ, तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेक पावर क्या क्या होता है? जो हमें शाफ्ट में मिलता है, क्रैंक शाफ्ट में मिलती है जो पावर, वो ब्रेक पावर होती है. तो अगर मैं इंडिकेटेड पावर है इसमें से माइनस कर दूँ ये फ्रिक्शनल पावर, तो जितनी भी पावर बचेगी वो ये ब्रेक पावर होगी. तो आप आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे क्या होता है. हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब मैकेनिकल एफिशिएंसी की मैं बात करता हूँ. आप अगर यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो कोई भी एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट. और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो आउटपुट है, तो क्या होगा आउटपुट? आउटपुट हमारा जो है क्रैंकशाफ्ट पे जो हमें पावर मिली है वो हमारा आउटपुट है. तो क्रैंकशाफ्ट पे क्या पावर मिल रही है हमें? क्रैंक शाफ्ट में मिल रही है हमें ब्रेक पावर. ठीक है, तो ब्रेक पावर क्या हो गया यहाँ पे? हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी आउटपुट में क्या आ जाएगा? ब्रेक पावर. ठीक है, और इनपुट में क्या हो रहा है? हमारे इंजन के सिलेंडर जो पावर जनरेट हुई है इंजन के अंदर, तो वो क्या है? इंडिकेटेड पावर. तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इट इज़ द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर. ओके, नाउ यू कैन सी वन न्यूमेरिकल ऑन योर स्क्रीन, देन आप उसको पॉज करके इस न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हैं. अब फाइनली इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको फाइंड आउट क्या करना है. आपको फाइंड आउट करना है इंडिकेटेड पावर को, फाइंड आउट करना है इंडिकेटेड पावर क्या होगी आपकी. ठीक है, इसमें बहुत सारा गिवन डाटा दिया है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या गिवन है इसमें. ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ. इसमें न्यूमेरिकल में दे रखा है द सिलेंडर डायमेंशन इक्वल्स टू 210 mm बोर इंटू 290 mm स्ट्रोक. मतलब जो बोर दे रखे हैं, बोर क्या होता है? कोई भी सिलेंडर होता है, इसकी जो जो डायमीटर होता है इसको हम बोर बोलते हैं. ओके, और स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक जो है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की लेंथ होती है. ठीक है, तो हम इसको स्ट्रोक बोलते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. तो आप ये अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये इसमें क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं. जैसे मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है आपका, जो कि 3 bar दे रखा है. हमने 3 × 10⁵ किया है इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. आप देख सकते हैं आपको न्यूमेरिकल में लेंथ दे रखी है, स्ट्रोक दे रखा है जो कि L होता है, ये 290 mm दे रखा है. ओके, 290 mm दे रखा है, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो फाइनली ये 0.29 में कन्वर्ट हो गया है. और अगर हम किसी सिलेंडर की बात करें एरिया की, तो एरिया होता है π/4 d² होता है. डी उसका क्या होता है? डी उसका डायमीटर होता है. ओके, सॉरी, डी उसका डायमीटर होता है. और यहाँ पे डायमीटर क्या दे रखा है आपको? ठीक है, डायमीटर आपको दे रखा है 210, मतलब जो बोर दे रखा है वो डायमीटर है. ओके, कंफ्यूज मत होना. 210 mm डायमीटर दे रखा है, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.21 में कन्वर्ट हो गया है, ये मीटर पे कन्वर्ट हो गया. ठीक है,
यहाँ पर के जो रहेगा हमारा के की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टू स्ट्रोक इंजन का यूज़ हो रहा है। ओके एंड आपको गिवन है कितना 360 RPM। अब इंडिकेटेड पावर क्या होती है, इंडिकेटेड पावर होती है PLANK/60 जो कि वॉट में होती है। ओके और अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें इसको, ओके तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी कन्वर्ट किलो वॉट में। तो यहाँ पर अब क्या होगा, P की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू भी गिवन है, A की वैल्यू भी गिवन है, N की वैल्यू भी गिवन है और K की वैल्यू भी गिवन है। तो अब फाइनली इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके तब इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 18.08 किलोवाट। थैंक यू मेरा लेक्चर देखने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके।